हाँ जी, आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन, इनके बारे में हम लोग ने देखना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि यूनियन क्या होता है। ठीक है, यूनियन की मैं पहले आपको सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन बता देती हूँ। यूनियन बेसिकली ऐसा सेट होता है जिसमें अगर दो सेट हैं या तीन सेट हैं तो उन सारे एलिमेंट को हम एक सेट में लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके का सिंबल होता है जिसको हम यू भी कह सकते हैं, यानी कि ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये यूनियन को शो कर रहा होता है। अब इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। इन दिस सेट बोथ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर कंटेन। इसमें हमारे पास कौन से होंगे कि ए और बी दोनों दो सेट हैं, उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हम एक में कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखें कि इफ A 1 2 3 ये हमारे पास एक सेट है और 4 5 6 ये हमारे पास एक सेट है। अब सेट पर होता क्या है, ये भी आप देख लें कि सेट हमारे पास होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेट होता है इसमें हमारे पास रेपिटेशन नहीं होती, यानी कि हर जो सा नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जिस तरीके से ये हम लिख रहे हैं 1 2, ये एक सेट है। ठीक है, यानी कि इसमें ये तो नहीं है कि दो दफ़ा नंबर रिपीट हुए हैं। अगर मैं इस तरह लिखती हूँ 1 1 2 2, ठीक है, या ऐसे लिख देती हूँ 1 1 3, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 टाइम है और यहाँ पर भी 1 2 टाइम है, तो इसका मतलब है ये और ये सेट नहीं है, बल्कि ये वाला सिर्फ सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास दो सेट हैं, हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते कैसे हैं कि हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की जगह पर ए का सेट 1 2 3, यूनियन बी की जगह पर बी का सेट 4 5 6। ठीक है, अब हमने इनको इकट्ठा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये एक सेट में आ गया, यानी दोनों एलिमेंट जो ए और बी के थे उनको हमने एक में लिख दिया है। और जो सेट के अंदर होती हैं ये हमारे पास मेंबर होती हैं या ये एलिमेंट कहलाते हैं, यानी कि ये 1 2 3 जो है ना, ये हमारे पास या एलिमेंट्स होंगे, या इसको एलिमेंट कहते हैं या फिर इनको मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सेट और उसकी कुछ टाइप थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यूनियन में हमने प्रूफ कर दिया है, यानी यूनियन का मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है कि इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होती है, इसको हम लोग इस तरह, यानी कि उल्टा जो यू है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इससे हम लोग ने रिप्रेजेंट करना है। इन दिस सेट कॉमन एलिमेंट ऑफ, अब इसकी भी हमारे पास जो सिंपल डेफिनेशन है पहले आपको मैं वो बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास क्या होता है, जो दो सेट होते हैं उनके कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखे जाते थे एक ही सेट में, और इसमें यह होता है कि ये जो इंटरसेक्शन का सेट होता है इसमें सिर्फ हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि ए और बी में दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, A एंड B आर कंटेन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर देखें A B है, ठीक है, इनकी मैंने इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, तो A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A वाले पहले मैं A वाला लिखती हूँ, A B C और D, फिर इंटरसेक्शन का सैम्पल डालती हूँ और फिर लिखती हूँ C D और E। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इनके कॉमन एलिमेंट, कॉमन का मतलब है एक जैसे। अब एक जैसे क्या है, ये A है, यहाँ पर A नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। B है, यहाँ पर B नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर C है और यहाँ पर सी है, तो ये कॉमन एलिमेंट है। अब यहाँ पर डी है, ये भी कॉमन एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पर भी है। यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर ई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो कॉमन एलिमेंट हैं जो ए और बी में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ सी और डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ अ सेट। अब डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस का वैसे भी हमें पता होता है कि सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कि हमने इसको माइनस करना है इस तरीके से, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या हमारे पास जितना ए माइनस बी ऐसे भी सैंपल आता है। ठीक है, या बी माइनस ए ऐसे भी आते हैं, तो ये दोनों का मतलब यही होता है कि हमने इन सेट को आपस में माइनस करना है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि हमने जब डिफरेंस लेना होता है दोनों सेट का, तो डिफरेंस में वो वाले एलिमेंट आते हैं जो कि ए में मौजूद होते हैं और बी में मौजूद नहीं होते हैं, मतलब कि उनकी कटिंग हो जाती है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह है कि इन दिस सेट ओनली फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट आर कंटेन दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट सेकेंड सेट, यानी दूसरे सेट में ये मौजूद ना हो। अब ये ए है और ये बी है, अब मैं इनको लिखती हूँ तो कैसे लिखूँगी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ मैंने पहले ए का सेट लिखा है ये, फिर मैंने माइनस डाला है और फिर मैंने बी का सेट लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि क्या होता है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये और ये कट जाएगा, 5 और 5 भी कट जाएगा। अब सेकंड जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपने उसको नहीं देखना, बल्कि आपने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट वाले सेट को देखना है कि उसमें कौन से एलिमेंट है। अब इसमें हमारे पास जो एलिमेंट रह गए वो है 1, 2 और 3, तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। और इसको मैं डिफरेंस के लिए ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर ठीक है। और a माइनस बी का भी मतलब है कि इनको आपस में आपने माइनस करना है और ये जो पहला सेट होगा सिर्फ वही लिखने हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास इसकी जो सेकंड एग्जांपल है डिफरेंस की। अब यहाँ पर देखें कि क्या है, b माइनस a, मतलब इसका ये होगा कि हमने b में से a को निकालना है। तो पहले मैं b का सेट लिखती हूँ, e f g h, फिर माइनस करती हूँ और a का लिखती हूँ a b c d, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ ई है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ एफ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला सारा आ जाएगा, मतलब कि कटिंग कोई नहीं हुई, कोई भी सेम नहीं था, कट नहीं हुए। तो जो पहले सेट के एलिमेंट थे वो सारे के सारे हमने लिख दिए। तो ये हमारे पास बी माइनस ए हो गया। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या चीज़ होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि इन दिस सेट कंटेन दोज एलिमेंट विच इज़ नॉट कंटेन इन ओरिजिनल सेट, यानी कि इस सेट में हम लोग वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास ओरिजिनल सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि क्या होता है, एग्जाम्पल है। अब इसका सैम्पल होता है, या तो सेट के ऊपर जो है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसके सी डाल देते हैं, या इस तरीके से बाहर सी डाल देते हैं, प्राइम सेट, ठीक है। अब ए हमारे पास ये है और यू हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट की बात आती है तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हर सेट का सबसेट मौजूद होता है, मैंने कहा हर सेट यहाँ पर मौजूद होता है। तो यूनिवर्सल जो है वो सारा सबसे बड़ा सेट है और इसके अंदर हर सबसेट मौजूद होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब जब हमने ए, हमारे पास ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यू माइनस ए। अब यू हमारे पास है 1 से 10 तक, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और ये 10 तक है माइनस। और ए हमारे पास कितना है, 1, 2, 3 और 4। अब अगर आपकी कटिंग आपको इस तरीके से समझ आती है तो आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आती तो आप क्या करें कि 1, 2, 3, 4, 5 सारे एलिमेंट पहले लिख लें, ठीक है, 10 तक, फिर माइनस 1, 2, 3 और ये 4 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि हमने कट करना है। जब हमने कट करना है 1 और 1 कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया, 3 और 3 कट हो गया, 4 और 4 कट हो गया। तो बाकी कौन से रह गए, ये वाले एलिमेंट रह गए। हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि इस सेट में वो एलिमेंट आ गए हैं जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है, मतलब कि ओरिजिनल सेट में ये कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, और जाने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।